राम के दर्शन के लिए आए। नारद मुनि ने देखा कि हनुमान भगवान राम के द्वार पर पहरेदारी कर रहे हैं। हनुमान ने नारद मुनि से कहा, हे ऋषि, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद ने कहा, मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने आया हूं। भगवान राम अभी क्या कर रहे हैं? हनुमान ने कहा, पता नहीं, लेकिन प्रभु अपने पुस्तिका में कुछ लिख रहे हैं। नारद ने कहा, सच में? लेकिन वो क्या लिख रहे हैं? हनुमान ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, हे ऋषि, मैं नहीं जानता, आप स्वयं देख सकते हैं। नारद अंदर गए और देखा कि भगवान राम कुछ लिख रहे हैं। नारद ने श्री राम को प्रणाम करने के बाद कहा, हे प्रभु, आप कलम और पुस्तक के साथ क्या कर रहे हैं? आप ये काम किसी लिपिक को क्यों नहीं दे देते? राम ने कहा, नहीं नारद, ये काम मुझे ही करना है, मैं यह काम किसी को नहीं सौंप सकता। फिर नारद ने कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु, लेकिन आप अपनी पुस्तिका में क्या लिख रहे हैं? जानकर क्या करोगे, छोड़ो इसे, श्री राम ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। फिर नारद ने कहा, नहीं प्रभु, आप जो कुछ भी लिख रहे हैं उसे जानने के लिए मैं अति उत्सुक हूं। राम ने कहा, ठीक है मुनि, मैं इस पुस्तिका में अपने उन भक्तों की उपस्थिति लेता हूं जो हर समय मेरी पूजा करते हैं। नारद ये सुनते ही बड़े ही उत्सुक हो गए। अच्छा, भगवान कृपया मुझे दिखाएं कि मेरा नाम कहाँ है। प्रभु ने उसे वह पुस्तिका दिखाई। सूची के शीर्ष पर अपना नाम पाकर नारद प्रसन्न हुए और इस विचार से गर्व महसूस किया कि भगवान उन्हें अपना सबसे सच्चा भक्त मानते हैं। लेकिन तब उन्हें एहसास हुआ कि पुस्तक में हनुमान का नाम कहीं नहीं है। नारद सोचने लगे कि हनुमान भगवान राम के परम भक्त हैं, तो उनका नाम पुस्तिका में क्यों नहीं है? क्या वो हनुमान का नाम लिखना भूल गए? जब नारद बाहर द्वार पर आए, हैरान नारद हनुमान से पूछने लगे, हनुमान, भगवान की पुस्तक में सभी भक्तों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन मुझे वहां आपका नाम नहीं मिला। हनुमान ने कहा, हे मुनि, मेरा नाम वहां होना चाहिए, शायद आपने नजरअंदाज कर दिया। फिर नारद ने कहा, नहीं नहीं, मैंने अच्छी तरह से देखा, आपका नाम वहां नहीं लिखा था। कोई बात नहीं, शायद मैं भगवान की पुस्तिका में रहने के लायक नहीं हूं, लेकिन भगवान एक पुस्तक भी रखते हैं और वहां बस कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। हनुमान ने नारद से कहा। चौंकते हुए पूछा नारद ने हनुमान से, वास्तव में? हनुमान ने कहा, हाँ। नारद फिर भगवान के पास मिलने गए। नारद ने कहा, प्रभु, मैंने सुना है कि आप भी पुस्तक लिखते हैं, आप उस पर क्या लिखते हैं? राम ने कहा, हाँ, लेकिन वह पुस्तक तुम्हारे किसी काम की नहीं है। भगवान कृपया मुझे बताएं, मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आप उस पुस्तक में क्या लिखते हैं, नारद ने जिद करते हुए पूछा। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषि, इस पुस्तक में मैं उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जिनकी मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। नारद ने पुस्तक खोली और सबसे ऊपर हनुमान का नाम पाया। यह देखकर नारद का अभिमान चूर चूर हो गया। नारद को समझ में आ गया कि सच्चे भक्त की भक्ति भगवान भी करते हैं।